प्रश्न 32 है, फलन 1/x की घात x का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। हम दिए गए फलन को y के बराबर मान लेते हैं। y बराबर है माना 1/x की घात x, अर्थात हमें y का अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो हम यहां स्पष्ट है dy बाई dx ज्ञात करने के लिए लॉग लेंगे दोनों पक्षों में, तो लॉग y बराबर हो गया x log 1/x, क्योंकि log का नियम क्या है, m की घात n यदि हो तो n log m उसका log होता है। आधार हमने लिखा नहीं है, तो इसका अभिप्राय क्या है, आधार e है। हम log y बराबर पाते हैं कि x log 1/x टू द बेस e है। इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, x की घात -1, अर्थात ये हो गया x इंटू लॉग x की घात -1। पुनः x की m की घात n का लॉग होता है n लॉग m, तो ये मान कितना हो जाएगा, माइनस x लॉग x के बराबर। अब हमें y को मैक्सिमाइज करना है, y का हमें अधिकतम मान ज्ञात करना है, तो अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए लॉग वाई भी अधिकतम हो जाएगा। हम इसको जेड के बराबर मान लेते हैं, हम अर्थात हमें जेड का अधिकतम मान निकालना है, अर्थात हमें जेड को मैक्सिमाइज करना है। अधिकतम मान तो हमें वाई का ही निकालना है, हमें जेड को मैक्सिमाइज करना है। इसके लिए पुनः अब हम इसका अवकलन करते हैं, तो डी जेड बाई डी एक्स बराबर, अवकलन करना है इसका, कितना हो जाएगा, पहला फलन -x, दूसरे का अवकलन 1/x प्लस दूसरा फलन log x, पहले का अवकलन माइनस का 1। सरल कर लिया तो x x कैंसिल हो गया, -1 माइनस log x, माइनस कॉमन ले लिया, 1 प्लस log x। अब हमें dy बाई डी जेड dy बाई डी एक्स को 0 के बराबर करना है, तो इससे अभिप्राय अब क्या होगा कि हमें डी जेड बाई डी एक्स को 0 के बराबर करने पर जो x का मान मिलेगा वो मान हमारा x y बराबर जो हमें मिला है उसमें रखने से हमें अधिकतम मान मिल जाएगा। तो माइनस का 1 प्लस log x बराबर 0 हमने कर दिया, हमने dz बाई dx को 0 के बराबर कर दिया। दिस इंप्लाइज log x बराबर हो गया -1, अर्थात आधार e है, तो x बराबर हो गया e की पावर -1, log की परिभाषा है, x बराबर हो गया e की पावर -1, अर्थात 1/e। तो z का अधिकतम मान जबकि x बराबर 1/e है तब होगा। अब अधिकतम होगा या न्यूनतम होगा, ये तो एक चरम बिंदु है, ये एक एक्सट्रीम पॉइंट है। इसके लिए हमें d2z/dx² निकालना है, तो इसका हम पुनः अवकलन करें, ये हमारा dz/dx इसके बराबर है, तो पुनः अवकलन करने से d2z/dx² इसको निकालते हैं। यदि ये लेस देन 0 है तो मान इस पर हमें अधिकतम मिलेगा, यदि ये ग्रेटर देन 0 है, धनात्मक है, तो हमें x बराबर 1/e पर न्यूनतम मिलेगा। तो यहां अधिकतम है, इसके लिए हमें इसको प्राप्त करना होगा कि ये नेगेटिव आता है, इसको कैलकुलेट करें, -1 का कितना हो गया 0, माइनस लॉग एक्स का 1/x, अर्थात -1/x आ गया जो कि स्पष्ट है लेस देन 0 है। माइनस की संख्या है, ऋणात्मक है, लेस देन 0 है, अर्थात x बराबर 1/e जो हमने प्राप्त किया है उस पर हमें अधिकतम मान मिलेगा, उस पर हमें अधिकतम मान मिलेगा क्योंकि d2z/dx² लेस देन 0 आ रहा है। अब वो अधिकतम मान क्या है, तो मैं x बराबर 1/e यहां पर रख दूं, तो अधिकतम मान हो जाएगा
आई का अधिकतम मान अर्थात दिए गए फलन का अधिकतम मान क्या हो जाएगा, एक बटा एक्स बराबर एक बटा ई रख दिया की घात एक बटा ई अर्थात ई की पावर एक बटा ई। ये हमारा दिए गए फलन का अधिकतम मान है, ये हमने ज्ञात कर लिया।